आप अभी तक नाराज हैं? मेरे अंदर जो ज्वाला भड़क रही है उसे मेरी चिता की आग भी ठंडा नहीं कर सकती। हम कभी गुस्ताखी बख्शते नहीं, मगर आपका नाराज होकर हमारे दरबार से निकल जाना हमने इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपकी यह हरकत हमें बहुत नागवार लगी। और मेरे वचन, मेरे नाम का जो अपमान हुआ है, क्या वो मुझे नागवार नहीं लगा होगा? शर्मगार मां गरीबों, नए चिरागे नए गुले, नए फरे परवाना सूजद, नए सदाए बुलबुले। न इस तुर्बत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है, न बुलबुल गीत गाती है। आप गलत फहमी के शिकार हैं। जीत हमारी हुई अकबर शाह। आपके हजारों सिपाही और अफसरान हमारे हिरासत में हैं और उनकी जानें हमारे रहमो करम की मोहताज हैं। जब आप कश्मीर से चल रहे थे तब ऐसा ही था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। मैं समझा नहीं महाबली। हमारी फौजें आपकी फौजों का घेरा तोड़कर श्रीनगर पर चढ़ाई कर रही हैं। वहां की रिया ने दिल खोलकर उनका इस्तकबाल किया है। अब सारी वादी हमारे साथ है। यह नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रहे हैं आप, हमसे धोखा हो रहा है। अपनी जबान से पलट रहे हैं आप, तोड़ रहे हैं अपने वादे को। इन दोनों को आपके सुपुर्द किया जाता है, इन्हें अपनी हिरासत में ले लीजिए। यह क्या हो रहा राजा साहब? यह है एक राजपूत का वचन। तारीख आपकी दगाबाजी को कभी माफ नहीं करेगी। तारीख से हम खुद निपट लेंगे। लेकिन महाबली, ये तो सरासर। अभी नहीं राजा साहब, इस मामले पर फिर कभी चर्चा होगी। आज हमारा अजीम ख्वाब सच हुआ। इस मौके पर हम एक जश्न का ऐलान करते हैं और आपके साथ साथ आपके दिलेर सिपाहियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरे भूलों के शहर।
चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़। लेकिन जाओ। क्या बात है पिताश्री? जाओ और जाकर अपने शहंशाह महाबली से पूछो। महाबली का गुस्सा बेजान चीजों पर निकालने से क्या फायदा? वो भूल गए कि एक राजपूत अपने दिए हुए वचन और अपनी जबान से निकले हुए लफ्ज के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। पिताश्री, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति के अपने नियम होते हैं। एक राजा को अपनी राष्ट्र की भलाई के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। नहीं, ये सरासर बेईमानी है, दगाबाजी है। ये अगर महाबली की नीयत में खोट थी तो मेरी रखी हुई शर्तों को मंजूर क्यों किया? यूसुफ शाह को वचन मैंने दिया था, महाबली के पास उसे मैं लाया था, मेरे भरोसे पे आया था। अपमान हुआ है मेरा, माटी लगी है मेरे माथे। आप महाबली से इस मामले पर बात कर सकते हैं? उन्होंने आपको जबान दी है। वो उस वक्त मेरा सामना नहीं करना चाहते थे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उन्होंने मेरे वचन का अपमान किया है। यूसुफ शाह कोई मामूली आदमी नहीं है, एक बुद्धिमान और विद्वान राजा है। उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। कल तक एक विजयी राजा और आज एक मामूली अपराधी, एक कैदी, ये सरासर नाइंसाफी है और मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपसे बर्दाश्त करने को कौन कह रहा है? केवल कल तक की प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद महाबली से मिलकर जो भी कहना है कह दीजिए। वो तो मैं कहूंगा, वो इस तरह मुझे नीचा नहीं दिखा सकती। आपको क्रोधित होकर दरबार नहीं छोड़ना चाहिए था। तो क्या करता? ठहाके मारता, धोखेबाजी के जश्न में रंगरलिया मनाता? मैं क्या करता? एक पराजित योद्धा के लिए समय है आपके पास? आइए, हम तखलिया चाहते हैं। कहिए राजा साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? महाबली जानते हैं मैं क्यों उपस्थित हुआ हूं। आप अभी तक नाराज हैं? मेरे अंदर जो ज्वाला भड़क रही है उसे मेरी चिता की आग भी ठंडा नहीं कर सकती। हम कभी गुस्ताखी बख्शते नहीं, मगर आपका नाराज होकर हमारे दरबार से निकल जाना हमने इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपकी यह हरकत हमें बहुत नागवार लगी। और मेरे वचन, मेरे नाम का जो अपमान हुआ है, क्या वो मुझे नागवार नहीं लगा होगा? आप भूल गए कि मैं एक राजपूत हूं और राजपूत एक वचन के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा। हमें अपने किसी अमल की सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। हमारा मकसद कश्मीर को फतह करना था और इसके अलावा उसे हासिल करने का और कोई तरीका नहीं था। आप जानते हैं हम शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हमने आपसे जो कुछ भी कहा उस पर गौर कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। रंग भी नूर भी जानकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी जानकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो,
वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो रौनक जाम भी वो सीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां।